मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ये चॉइस दी है, इंसानों को ये इख्तियार दिया है। पूरी दुनिया के हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये चॉइस दी है, ये इख्तियार दिया है। फ़मन शा फलयुमिन वमन शा फलयकफुर, कि हर शख्स को ये इख्तियार है, चाहे तो वो मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारे, चाहे तो वो काफिर बनकर ज़िंदगी गुजारे। मेरी बात समझ रहे? अल्लाह ताला ने इंसानों को ये इख्तियार दे दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो कुरान हदीस के मुताबिक प्यारे नबी के तरीक़े पर चलो, मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारो, या अगर तुम चाहो तो कुरान हदीस का इनकार करके गैरों के तरीक़े पर काफिर बनकर ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन ये इख्तियार अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी दूसरी मखलूक को नहीं दी है। अल्लाह की जो पैदा करदा दूसरी चीज़ें हैं इंसान के अलावा, उनको अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दी। मिसाल के तौर पर सूरज अल्लाह की मखलूक है, सूरज को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दी कि तुम चाहो तो कभी शुमाल से निकल जाओ, कभी जनूब से निकल जाओ, कभी ईस्ट से, कभी वेस्ट से, जहाँ से चाहो निकल जाओ, ये इख्तियार सूरज को नहीं है। सूरज ये सोचे गर्मी के दिनों में मंडिया वालों को बहुत तकलीफ़ होती है मेरे टेम्परेचर की वजह से, चलो गर्मी के दिनों में अप्रैल में उधर गर्मी के दिनों में मैं अपने टेम्परेचर को मंडिया वालों के लिए कम कर दूँ, ये इख्तियार सूरज को, सूरज को ये इख्तियार नहीं है, वो अपने टेम्परेचर को कम नहीं कर सकता। बल्कि हदीस पाक में आता है सूरज गुरूब होने के बाद, जैसे आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान मंडिया में 5:53 सूरज गुरूब हो रहा है, तो गुरूब होने के बाद जिस मुल्क में जो भी टाइमिंग है सूरज गुरूब होता है, फिर जब वो निकलता है तो गुरूब होने के बाद जनाब आका ने फरमाया कि सूरज अल्लाह के सामने जाकर सजदा करता है और फिर अल्लाह से इजाज़त लेता है कि फलां मुल्क में मुझे निकलना है, तुलू होना है, अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलती है, फिर उस मुल्क में वो तुलू होता है जहाँ जहाँ उसे तुलू होना है। तो सूरज अपने निकलने में भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, सूरज अपने निकलने में भी अल्लाह के हुक्म का तो मजबूर है। एक वक्त आएगा जब अल्लाह तबारक व ताला सूरज से ये कहेंगे कि आज तुम्हें जहां से डूबे वहीं से निकलना है, मशरिक से नहीं बल्कि जहां से डूबे। रोज़ाना सूरज मशरिक से निकलता है, लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह का हुक्म होगा कि आज जहां से डूबे वहीं से निकलो, यानी मगरिब से सूरज निकलेगा, ये क़यामत की अलामत होगी, फिर क़यामत कायम हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ इंसानों को इख्तियार दिए हैं जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारो, उसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है। गुलाब का पौधा है, घरों में लगाते हैं, पार्कों में होता है, अंगेठी वगैरह में, तो गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल निकलता है। गुलाब के पौधे को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पौधे से चमेली का फूल निकाले। गुलाब का पौधा ये चाहे कि मैं चमेली का फूल दूंगा, नहीं दे सकते। चमेली का पौधा ये चाहे कि मैं मोगरे का फूल दूंगा, नहीं दे सकते।
चमेली का पौधा गुलाब का नहीं दे सकता, गुलाब का पौधा चमेली का फूल नहीं दे सकता, उनको इख्तियार ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार दिए, तुम चाहे तो अच्छे नेक बनकर ज़िंदगी गुजारो, चाहे तो तुम मुनाफिक बदकार गुनहगार बनकर ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें इख्तियार है। दुनिया में इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक है न? जानवर कितने ताकतवर होते हैं? जानवरों के अंदर इंसानों से ज़्यादा ताकत होती है। कई जानवर ऐसे हैं जो इंसानों को सेकंडों में चीर फाड़ के ख़त्म कर दें, इतनी ताकत अल्लाह ने उन जानवरों के पंजों में। उनके हाथी कितना ताकतवर होता है। उस ज़माने में जो बड़े बड़े महल बनाए गए, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनमें बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। हालांकि उस ज़माने में पत्थरों को उठाने के लिए मशीनरी जैसे आज है वैसे तो नहीं थे, ये क्रेन वगैरह, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए? दिल्ली की जामी मस्जिद देखे होंगे, ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई पर उसे बनाए शाहजहां, और फिर वो पूरी की पूरी इमारत जो है वो पत्थरों की है, बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें, उसके सारे सुतून दीवार। इतने बड़े बड़े पत्थर उतनी ऊंची जगह कैसे? जानवरों की मदद से, हाथियों की मदद से। तो इंसान से ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला जानवरों को देकर है। हाथी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, किसी इंसान पर उसका पैर पड़ जाए तो हड्डियाँ चटनियों चटनी में तब्दील हो जाए। लेकिन इंसान का गुलाम है, सारे जानवर इंसान के गुलाम हैं, बह कि नहीं। इंसान शेर को पिंजरे में कर लेता है, सर्कस में आप देखे होंगे गोल आग लगी हुई है, इंसान शेर को इशारा करता है, शेर उस आग के अंदर से कूद रहा है। एक छोटे से डंडे से इंसान हाथी को नचा रहा है, फुटबॉल खिला रहा है। हालांकि इंसान बहुत कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को इंसान के ताबे कर दिया। इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिलआखिरा। हदीस पाक में जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों को अल्लाह ने क्यों पैदा किया मैं बोलो ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वो जानवरों को ताबे कर दिया। बड़े बड़े जानवर हैं लेकिन अल्लाह ने उनको ये नहीं, इंसानों की कमज़ोरी नहीं बताई। अगर हाथी को फ़र्ज़ कर लो ये मालूम हो जाए कि ये इंसान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, इसके किडनी में 1-2 mm का पत्थर आ जाए तो ये तड़प जाता है। अगर हाथी को ये मालूम हो जाए, शेर को जो उसके इंसान के ताबे हैं उन जानवरों को ये मालूम हो जाए ये इंसान इतना कमज़ोर है, इसका ब्लड प्रेशर जो 140 से 150 हो जाए तो इसके बदन में वाइब्रेशन आ जाता है। अगर 80 से कम हो जाए, 60-50 को आ जाए, दिमाग काम करना छोड़ देता है, कुछ ऊंच नीच हो जाए जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा या कम हो जाए, दिमाग में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, इंसान लड़ने झगड़ने लगता है, शोहर अपने बीवी से लड़ता है, बीवी अपने शोहर से लड़ने लगती है, घर में झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है। इंसान इतना कमज़ोर है लेकिन अल्लाह जानवरों को नहीं बताए, अल्लाह जानवरों को ये बातें नहीं बताए। सब के सब मजबूर महज हैं अलावा इंसान के। इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने इख्तियार दिया है, मैं ये बता रहा था, इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि तुम चाहो तो मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारो, तुम चाहो तो गुनहगार बनकर, बदकार बनकर, मुनाफिक बनकर, गैरों के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारो। कोई पकड़ नहीं है दुनिया में,
दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारी मर्जी है। ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नम का है, जिस रास्ते पे चलना चाहो तुम्हारी मर्जी है। हिसाब किताब तो आखिरत में होगा, पूछताछ तो आखिरत में मरने के बाद है। बल्कि मेरे अजीज साथियों, हिसाब किताब तो खबर से शुरू हो जाएगा। हदीस पाक में आता है, हर मुर्दे को कब्र में तकलीफ होती है। क्या आता है हदीस पाक में? हर मुर्दे को, तो बोलो ना, हर मुर्दे को कब्र में तकलीफ होती है, चाहे मुर्दा कैसा भी हो, चाहे नेकुकार हो चाहे बदकार हो, चाहे नमाजी हो चाहे बेनमाजी हो, चाहे पर्दा करने वाली औरत हो चाहे बेपर्दा औरत हो, हर मुर्दे को कब्र में तकलीफ होती है। कब्र अपना काम करती है। मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के घराने में, नबुव्वत से पहले की बात, और उस वक्त पर्दे के अहकाम भी नाजिल नहीं हुए थे, सारे अहकाम तो बाद में मदीने में नाजिल हुए ना, तो शादी उनके घराने में अबू लहब के बेटों से हुई थी, दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों से। जब तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई, जिसमें अबू लहब के बारे में बताया गया कि वो जहन्नमी है और उसकी बीवी भी जहन्नमी है और वो जहन्नम को जाने वाले हैं, उसने अल्लाह के नबी को हलाकत की बद्दुआ दी, अल्लाह ने फरमाया कि वो हलाक होगा, उसकी बीवी हलाक होगी, उसके घराने वाले हलाक होंगे, उसके बाल बच्चे उसके काम नहीं आएंगे, तो अबू लहब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि नबी की बेटियों को तलाक दे दो। आप ज़रा सोचें उस बाप पर क्या गुजरेगी जिसे ये खबर पहुंचे कि आपकी दो दो बेटियों को एक साथ तलाक दे दी गई है, सिर्फ तकलीफ देने की नीयत से। बहरहाल वो वाकया बहुत लंबा है, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, हिजरत का अमल शुरू हो चुका था, लोग हिजरत कर रहे थे, इधर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुफ्फार के नरगे में अबू लहब के, तलाक़ तो उसने दे दी थी लेकिन हिजरत करने भी नहीं दे रहा था, वो बड़ी परेशान थी। उनके शोहर के जो भाई थे वो ज़रे हमदर्द थे, उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई पुरअमन काफ़िला मदीने की तरफ हिजरत करेगा तो मैं उस काफिले का पता आपको बता दूंगा, आप उनके साथ मदीने चली जाना, अपने अब्बा अपने वालिद के पास चली जाना। फिर एक काफिला जा रहा था, उन्होंने इत्तिला दी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छुप छुपा कर उस काफिले के साथ मिलकर जा रही थी, इधर ज़ालिम अबू लहब को किसी तरह इत्तिला मिल गई, ज़ालिम अबू लहब को और उनके बेटों को इत्तिला मिली, उन्होंने पीछा किया और फिर तीर मारा, और वो तीर लगा जिस्म पर, और फिर वो ऊंट से जो नीचे गिरी, हमल से थी, नीचे जो गिरी तो बच्चा भी ज़ाय हो गया और बदन से बहुत ज़्यादा खून बहा। आप जानते हैं जब औरत हमल से होती है तो बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि उसके जिस्म का खून जो इसके बच्चे को जा रहा होता है, उसकी एनर्जी उसके बच्चे को जा रही होती है, एक जान दो आंत होते हैं। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर सारी ज़िंदगी उमरा कराते रहे, सारी ज़िंदगी तवाफ़ कराते रहे, सारी ज़िंदगी हज कराता रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या उसने अपने माँ का हक़ अदा कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो अपनी माँ के पेट में था और वो पलटता था, उस पलटने की वजह से उसके माँ को जो तकलीफ़ होती थी और उस तकलीफ़ की वजह से उसकी माँ जो आह की आवाज़ निकालती थी,
पूरी जिंदगी अपने कंधों पर बिठाकर उमरा कराया, हज कराया, तवाफ कराया, तब भी उस एक आह का बदला हक अदा नहीं हुआ। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप बाहयात हैं उनको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं। इधर इन्होंने मार कर ज़ख्मी कर दिया, ऊंट से वो नीचे गिरी, खून बह चुका था। अबू लहब और उनके घर वाले मशवरा किए कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, हो सकता कि मर जाएँ, ये यहाँ मक्के में मरेगी, हमारे पूरे ख़ानदान का नाम बदनाम हो जाएगा, हमारा घराना बदनाम हो जाएगा कि नबी की बेटी को हमने मार दिया, जैसे भी है वैसे ही इसको भेज दो। उन्होंने भेजने का फ़ैसला किया और फिर वो भेजे वहाँ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इंतज़ार में थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, पूरे खून से लथपथ थी, पूरे जिस्म का खून ख़त्म हो चुका था। अब सोचें वो ज़माने 300-400 किलोमीटर का सफ़र है और फिर ऊँटों पर, और ज़ख़म यहाँ मक्के में हो, वो ज़ख़म हुआ है और यहाँ से खून बह रहा है, पूरे जिस्म का खून ख़त्म हो चुका था। उसके बाद कई दिनों तक वो ज़िंदा रहीं लेकिन उसी ज़ख़म की वजह से वो इंतकाल कर गई, उसी ज़ख़म में उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गई। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी में, उनकी जानिसारी में अपनी जान अब्बा हुजूर के कदमों पर उन्होंने शहीद हो गई। मेरे अजीज़ साथियों, हम लोग ना घरों में हयातुस सहाबा पढ़ते हैं, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ते हैं, ना सहाबियात की ज़िंदगी का तस्किरा होता है, ना हमारे दोस्तों की महफिलों में प्यारे नबी के तस्किरे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर दीन ज़िंदगियों में नहीं आएगा। मन अहब शैइन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है उसकी ज़ुबान पर उसी के तस्किरे होते हैं। आज हमारे दिलों में किस चीज़ की मोहब्बत है वो हमारी महफिलें बताती हैं। कब्रिस्तान में भी अगर दो दोस्त जमा हैं तो वहाँ भी कैसा चल रहा बिज़नेस, हमारा बेटा इतना कमाया, फलां बिज़नेस में इतना नफ़ा हुआ, फलां तिजारत में इतना नफ़ा हुआ, फलां तिजारत अच्छा, फलां मैं बेटे को अमेरिका भेजा, मैं लंदन भेजा, हमेशा यही तस्किरें। जब मोहब्बत होगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब दीन की अज़मत होगी, दीन की वक़ात होगी, अहमियत होगी, तो हमारे ज़ुबानों पर दीन का तस्किरा होगा, प्यारे नबी का तस्किरा होगा, प्यारे नबी के घराने का तस्किरा होगा, प्यारे नबी की सीरत का तस्किरा होगा। आज क़दर है, मोहब्बत है तो माल से मोहब्बत है, दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत है। वो इंसान फ़ख्र करता है जिसके बेटे बड़े बड़े जॉब में हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो अपने साथियों को बताता मेरे बेटे जो है महीने में इतना कमा रहे हैं। वो कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर कोई किसी को हरम शरीफ में, मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल खला साफ़ करने का मौका मिल रहा है तो अल्लाह के घर में बैठकर बोलता हूँ वाइट हाउस के मुलाजिम से बड़ा हुआ है उसका मकाम, उसका दर्जा, क्योंकि वो अल्लाह के घर के घर का मुलाजिम है। वो मदीना मुनव्वरा में किसी को रहने का मौका मिल रहा है, हजरे अस्वद को चूमने का मौका मिल रहा है, वहाँ के सफाई का मौका मिल रहा है, दुनिया के जितने मिनिस्टर के पीए हैं ऐसे लाखों पीए उन पर कुर्बान हैं। ये अजमत कब आएगी हमारे दिलों में? जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाए और फिर कब्र में उतारे, कब्र में उतारने के बाद जब मिट्टी डाल रहे थे
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोने लगे, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं रोए थे। ऐसा रोए कि हिचकियां बंद हो गई। साहबा ने सोचा कि शायद बेटी की सदमे, जुदाई की सदमे की वजह से रो रहे। बेटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कुफ्फार ने ऐसा मामला किया और उसी जख्म में बेटी का इंतकाल हुआ, शायद उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रोए। साहबा फरमाते हैं जैसे किसी माँ से, उसकी गोद से बच्चे को छीन लिया जाए तो वो माँ जैसे तड़प कर रोती है, ऐसे तड़प कर अल्लाह के नबी सल्लम रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे किसी बाप के सामने उसके बेटे के टुकड़े कर दिए गए हो। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम ये समझ रहे थे कि बच्ची कुफ्फार ने इन पर बड़ा जुल्म किया, कुफ्फार के नरगे में ये फंसी हुई थी और फिर ज़ख्मी कर दिया और उसी ज़ख्म की वजह से इनका इंतकाल हुआ। शायद वो सारी बातें आपके जहन में उस सदमे की वजह से आप रोए, लेकिन आप रोए भी और फिर मुस्कुराए भी, ये रोने और मुस्कुराने की वजह क्या है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? भाई सुन रहे, समझ में आ रहा? आप रोए और फिर मुस्कुराए, ये रोने और मुस्कुराने का सबब क्या है? जनाब आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मिट्टी डाल रहे थे, अल्लाह तबारक व ताला ने खबर के अंदर के मंजर को मेरे लिए खोल दिया। मैं खबर के अंदर का मंजर मुझे नजर आ रहा था। खबर मेरी बेटी के लिए तंग हो रही थी। हदीस पाक में आता है ना, खबर तंग होती है जब मुर्दे को खबर में रखकर दफन करके आते हैं तो खबर तंग होती है, और इतनी तंग होती है कि पसलियां, अल्लाह के नबी ने इशारा करके बताया, पसलियां एक दूसरे में ऐसे घुस जाती है। खबर तंग हो रही थी, वो मंजर देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये कमजोर निढाल ढांचा है और इसने तेरे रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर दी है। कुफ्फार ने इतने जख्म दिए कि उस जख्म की वजह से इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह, ये नेक बंदी थी, मैं गवाही देता हूं कि ये नेक बंदी थी, इसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। अल्लाह, इस बच्ची पर रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और फिर कब्र कुशादा होने लगा तो वो मंजर देखकर मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। मेरे अजीज साथियों, हम सबको खबर में सोना है। भाई सोना की नहीं, हम सबको जाना है, खबर में सोना है। हमारे खबर के पास कौन आएंगे दुआ करने के लिए? कौन हमारे लिए दुआ करेंगे? हमने खबर के लिए क्या तैयारी की है? खबर की तैयारी यही है कि हम दीनी माहौल में ढल जाएं, हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, घर में कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करें। फ़र्ज़ नमाजें हम मस्जिद में पढ़ते हैं, उसके अलावा नवाफिल, सुन्नत वगैरह घर में पढ़ने का अहतमाम करें, घर में नमाज का माहौल बनाएं, घर में पर्दे का माहौल बनाएं। हमने खबर की क्या तैयारी की? हम खबर की तैयारी करना तो बहुत दूर की बात, हफ्ते में एक मरतबा जुमा आती है, वो जुमे के वास्ते भी तैयारी नहीं करते। जुमे के वास्ते भी हमारे पास तैयारी नहीं है, हफ्ते में एक मरतबा कीजिए, नहीं पहुंचे। हजरत, मेन टेम्पो कौन की गिरा कागा था क्या? कि एक डील थी बात कर उसमें, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। धीरे धीरे हमारे अंदर से दीन की हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। हमारे बचपन में ऐसा माहौल था, जुम्मेरात से ही एक चेहरों पर खुशी नज़र आती थी, एक अजीब कैफियत, एक पुरनूर माहौल नज़र आता था। किसी को भी पूछो, क्या भाई क्या किस्सा? नहीं, कल जुम्मा है, जुम्मे के लिए जुम्मेरात से ही तैयारी हो जाती थी। और आज ऐसा माहौल है, जुम्मे के दिन नहाने की भी फुर्सत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने की भी फुर्सत नहीं है, सुरमा लगाने की भी फुर्सत नहीं है, इत्र लगाने की भी फुर्सत नहीं है,
मैले कुचेले जैसे थे वैसे ही कपड़ों में सीधे आ गए। ये दीन की अजमत की कमी है, अल्लाह से मोहब्बत की कमी है, दीन से दूर होने की अलामत है। तो इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, आप तमाम से दरख्वास्त है कि जुमा की अहमियत को दिलों में बिठाएं, जुमा की कदर करें, क्योंकि जुमा सारे दिनों का सरदार है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जुमा के बारे में फरमाया कि यह ईदुल फितर से, ईदुल अज़हा से, यौम अरफा से भी इसका मकाम बहुत ऊंचा है, जुमा का मकाम। घरों में दीनी माहौल तैयार करें, दीनी माहौल बनाएं, वरना देखें वो कौन थी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादी, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने वाली, उनको खबर तंग हो रही थी तो मेरे और आपके खबर का क्या होगा। हमने इसके लिए क्या तैयारी की है? तैयारी यही है कि हम दीन पर आ जाएं, हम नमाज़ों की पाबंदी करने लगें,